सर ये सब्सक्राइबर ही है और इजी था जी। अब टेक्निकल इजी था तो इसमें कैसा रहा? नॉन टेक सबसे पहले पूछते हैं, नॉन टेक कैसा रहा सर? नॉन टेक पीपीसीएल में खेला था उसने, अलग खेल कर दिया उसका, था उसका बहुत अलग खेल बदल था, दिया था, बदल गया था वो। तो वो पैटर्न कुछ बदलता हुआ आपको दिखा यहाँ? जी सर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पैटर्न बदला है। मगर जीके क्वेश्चन बताइए सर, जीके कैसी आ रही है? जीके जो 5 ईयर। हेलो दोस्तों, अब यहाँ पर हम सेंटर पर यूपीएमएल जी का एग्जाम रिव्यू करने वाले हैं। और दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट का पहले किया था, सेकंड शिफ्ट का देखते हैं। सेकंड शिफ्ट का पेपर कैसा रहा था, सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आए थे, क्या क्वेश्चन बदले हैं, क्या है? तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों से, क्या आप देखते हैं कि कैसा है ये इनका एक्सपीरियंस रहा, कैसा पेपर था? तो दोस्तों अभी आ रहे हैं सभी लोग, क्वालिटी थोड़ी बेकार रही क्योंकि यहाँ पर आउट में शूट कर रहे हैं, यहाँ पर क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है और कोई भी यहाँ पर मतलब इक्विपमेंट नहीं है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा कर लें। सर ये सब्सक्राइबर ही हैं और मतलब खुशी काफ़ी ज़्यादा हुई, तो आप मतलब थोड़ा बताइए कैसा पेपर रहा? पेपर सर बहुत बेस्ट रहा। अच्छा, तक यहाँ तक है क्वेश्चन सही है। टेक्निकल कैसा था? नहीं टेक्निकल सर काफ़ी बेस्ट रहा। पिछले जो फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू किया था तो वहाँ पर बता रहे थे कि जो टेक्निकल था इजी था। अब टेक्निकल इजी था तो इसमें कैसा रहा वो उसका कहा था? टेक्निकल इससे थोड़ा सा बेटर ही है वो पहले से, अभी पहले वाला तो मुझे पता नहीं। अच्छा, आपको तो नहीं पता बट मैंने रिव्यू किया था जी, मगर टेक्निकल काफ़ी अच्छा था। हाँ, और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन भी काफ़ी बेटर थे दिए गए थे तो अच्छा, बढ़िया रहा। अच्छा, आपकी नज़र में जो आपने यूपीपीसीएल भी दिया होगा? हाँ जी सर। तो यूपीपीसीएल और यूपीआईएमएल में जो यूपीपीसीएल में खेला था उसने अलग खेल कर दिया उसका, था उसका बहुत अलग, अलग खेल बदल था, दिया था बदल गया था वो। तो वो पैटर्न कुछ बदलता हुआ आपको दिखा यहाँ पर? जी सर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पैटर्न बदला है। मगर ये है कि ये नॉर्मली उसी हिसाब से पेपर आया है, वो चेंज हो गया था थोड़ा सा। मशीन से कितने क्वेश्चन थे? मशीन से करीब सर इसमें 15 से 20 क्वेश्चन अप्रोक्स थे मशीन से। तो मशीन से 15 से 20 थे और जो पिछली वाली शिफ्ट में थे उसमें थोड़े कम थे, इसमें बड़े थे। अच्छा, पीएलसी से आप बताएं, पीएलसी बहुत ज़्यादा, पीएलसी लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इतना नहीं था सर, वो मैक्सिमम 10 क्वेश्चन अप्रोक्स होंगे सर, इससे ज़्यादा नहीं थे। और मतलब और भी जो पावर सिस्टम है हमारा, पावर सिस्टम था, बीडब्ल्यू भी थी, बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा थे इसमें। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे थे, किस बुक से, कैसे मतलब किस लेवल के क्वेश्चन थे? अब सर थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। अच्छा, बहुत सही रहा। सही रहा। अच्छा, आपका कितना अटेम्प्ट रहा? हाँ मेरा 161 तक। 161। हाँ तो काफ़ी अच्छा रहा। चलो फिर भी आप ये बताइए कि जो नॉन टेक था वो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं लोग कि नॉन टेक बताइए, क्योंकि मैकेनिकल वाले भी इसमें अप्लाई किए। नॉन टेक तो नॉन टेक कैसा था ये? नॉन टेक तो बहुत सही रहा सर, जैसे देखी जाए तो। हाँ नॉन टेक में हिंदी वगैरह क्वेश्चन अप्रोक्स सही थे और जीके वगैरह भी थोड़ी बहुत थी और सही था, नॉन टेक भी अच्छा था। ओके, तो नॉन टेक जीके का पोजीशन मतलब कुछ अंदाजा दे, कोई क्वेश्चन आपको याद हो नॉन टेक उससे? काफ़ी सारे क्वेश्चनों से सर थोड़ा सा माइंड। अच्छा, रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग बहुत अच्छा आया। और हिंदी जो पिछले वाले में थे वो थोड़ा टफ बता रहे थे, तो उसमें कैसा रहा हिंदी? नहीं हिंदी में काफ़ी क्वेश्चन अच्छे लगे, सही भी थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको अच्छे आपकी ओपिनियन क्या था हिंदी में? हार्ड थी कि सरल? नहीं नॉर्मली थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। हार्ड नहीं थी ना, नॉर्मली क्वेश्चन जी। तो आपका कितना एक्यूरेसी रह जा सकती है आपकी, कैसे मतलब? सर ये तो रिजल्ट बताएगा या अभी तो आंसर की बताएगी पूरी तरह से। ओके, तभी तो देखते हैं। तो जो टेक था आपके अनुसार आप बताएंगे कैसा रहा था टेक, के सही आया है कि टेक में कुछ बदला है इन्होंने? नहीं, आपने प्रीवियस ईयर भी लगाया? ज़्यादा कुछ नहीं बदला है, टेक सही रहा वैसे। टेक सही रहा मतलब यूपीसीएल ने जो था वो पूरा अपना चेंज कर दिया था, यूपीसीएल की तरह नहीं किया? नहीं नहीं किया है, पेपर तो नॉर्मली आया है। अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल। चलो तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे। ओके, तो इनसे पूछते हैं कि नॉन टेक सबसे पहले पूछते हैं, नॉन टेक कैसा रहा सर? नॉन टेक ठीक था। तो मतलब इधर सर आप फेस दिखा दीजिए, आपका काफ़ी सुंदर है आप। तो नॉन टेक में जीके क्वेश्चन बताइए सर, जीके कैसी आ रही है? जीके जो 5 ईयर प्लान वगैरह थे उस पर 3 क्वेश्चन उसके समझ रहे, 3 क्वेश्चन थे जो मोदी की 5 ईयर प्लान चली है। अच्छा, उसमें पूछा था ग्रो कौन से प्लान में। ओके, और सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट कैसे करना, करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन, करंट अफेयर 3-4 क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर जो टेक में था आपका, टेक कैसा रहा, टेक आपको कैसा लगा? टेक में बेसिक इलेक्ट्रिकल बिल्कुल नहीं आया। बेसिक इलेक्ट्रिकल तो मतलब ये कैसा कर रहा है कि ये खत्म करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल को, पहले बहुत बेटे रहता था 40-45 का, अब मतलब कैसे? ये पता नहीं, ये यूपीपीसीएल और यूपीआरएमएल दोनों स्टेट गई है तो दोनों का पैटर्न अब सेम ही सा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स को ये ज़्यादा मतलब अब उसको बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पहले नहीं थी, अब आपका मतलब कहना ये है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा ही बढ़ा रहा है।
अच्छा, और मशीन जो था हमारा कोर सब्जेक्ट माना जाता है इलेक्ट्रिकल का, कितना रहा उसका वेटेज क्या था, कैसा रहा पेपर? पहले जितना कम इलेक्ट्रॉनिक्स आती थी उतना ही कम मशीन आने लगी। अच्छा, पहले मतलब मशीन ने इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह ले ली है और इलेक्ट्रॉनिक्स ने मशीन की जगह, आपका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर बताइए नॉन टेक के बारे में, क्योंकि मैकेनिकल वालों के लिए भी कुछ मदद हो जाए उनके लिए भी, तो नॉन टेक की तैयारी कैसी करें, क्या नॉन टेक आ रहा है दो तीन दिन जो भी उनके पास? रीजनिंग बिल्कुल नॉर्मल है, बस हो जाएगी, थोड़ा बेसिक सेंस लगाओ हो जाएगी उससे, और हिंदी तो हिंदी वाले अपना देख ले, इंग्लिश वालों को तो हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, मैं तो एक दो क्वेश्चन करके आया हूँ। और जीके में भी क्या कहते हैं तुम्हारा, यही जो मोदी जितने भी प्लान्स वगैरह नीति लाते हैं, मतलब करंट अफेयर, करंट में जो हमारी चल रही है वो सब चीज़ हमें मतलब वो चीज़ देखें। तो मतलब यही था आपका ओपिनियन, और आप बताइए कितने आपने अटेंड किए, मतलब क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए 170 में कितने मतलब आपको लग रहे हैं कि वो सही जा सकते हैं? 140। तो आपको मतलब थोड़ा सा कट ऑफ का अंदाज दे तो कितना दे सकते हैं आप अपने अनुसार? कट ऑफ मेरे हिसाब से 145 प्लस जानी चाहिए। 145 प्लस आपके अनुसार। तो दोस्तों ये था यहाँ पर दो शिफ्टों का रिव्यू था कि यहाँ पर जो नॉन टेक है वो मतलब आप जो समझ, ज़्यादा हार्ड ऐसा ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, बट यहाँ पर जो टेक है वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब इसने UPI ने अपना पेपर नहीं ऐसा ज़्यादा बदला है, बट यहाँ पर ये चीज़ बदली है कि आपकी मके जो मशीन थी और BW थी ये सब चीज़ आप कम करते जा रहे हैं, आप शिफ्ट करते जा रहे हैं अपना अदर पर फोकस। अच्छा, PLC से इसमें कितने क्वेश्चन है? PLC से और MATLAB से, इनसे 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आए थे। अच्छा, दोनों से PLC से ही और MATLAB से। अच्छा, MATLAB से। अच्छा, तो और मतलब जो नेक्स्ट वो स्टूडेंट आएंगे उनको क्या तैयारी करनी है, दो तीन दिन में क्या वो देख सकते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? नॉन टेक बेसिक बिल्कुल ना देखें, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखें, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देखें, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके ये हो गए गेट वगैरह, और आपका मशीन बहुत कम देखें, और पावर सिस्टम बस। तो ये चीज़ आपके में क्या आपके अनुसार कि ये चीज़ देखें, बेसिक और मशीन पर ज़्यादा फोकस ना करें, बस दो दिन बचे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायोरिटी पर रखें, उसके बाद पावर सिस्टम। ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा यही था कि अभी हम लाइट की थोड़ी व्यवस्था नहीं है तो वीडियो नहीं आ सकती है, कम ही लोगों के साथ हमने किया रिव्यू। आप दोनों वीडियो को देखें, दोनों मैंने वीडियो बनाई है फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, और दोस्तों वीडियो को दोनों को शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों मैं यहाँ पर बहुत दूर चल कर आया हूँ आगरा में, और आगरा में मैंने यहाँ पर ये शूट किया है, आपकी वजह से कई घंटों तक मैं यहाँ पर सेंटर के बाहर था। तो शेयर करें, लाइक करें, और आप अपना देखें कैसा आपको तैयारी करनी है जो नेक्स्ट स्टूडेंट है। और दोस्तों अपना मैकेनिकल वाले हैं, मैकेनिकल वालों का जो अभी पेपर होगा तो वो चीज़ आप देख सकते हैं कैसा उन्हें नॉन टेक तैयार करना है। बट जो फर्स्ट शिफ्ट में कह रहे थे कि जो हार्ड था वो आप देख लें कि इतना ज़्यादा हार्ड आप मतलब थोड़ा देखें, नॉन टेक को ज़्यादा देखें, नॉन टेक को छोड़ें ना, नॉन टेक अच्छा करें। तो यही था आपका मतलब जो कमेंट आए थे वो सब चीज़ ठीक। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मिलते हैं किसी शानदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।